धड़कने नमस्कार गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। नमस्कार, दिस शिल्पा सिंह राजपूत। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृष्णा व्यूज। गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, रिसेंटली हम लोग लेकर आए थे शिल्पा व्यूज पे एक वीडियो जो की रोस्टिंग वीडियो, रिएक्शन वीडियो थी। रोस्टिंग भी कह सकते हो। तो काफी सारे लोग ने कहा था कि ये और भी ऐसी वीडियोस हैं। आई थिंक चार वीडियो शायद, तो तीन वीडियो पे अभी हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो का नाम है पाकिस्तानी टिकटॉकर्स मेड अ डिस ट्रैक ऑन मी, दिस गेम मस्ट बी स्टॉप। ठीक है, तो कोई डिस ट्रैक है जिस पे किसके ऊपर है डिस ट्रैक? किसने बनाया डिस ट्रैक? बनाया है क्या नाम उनका, अरे यार वही जिस पे डांस का वो किया था भट्टी। उसका आगे वाला नाम मुझे याद नहीं है। एलेक्स भट्टी। हाँ, एलेक्स भट्टी, जिसपे इन्होंने बोला था कि मेरे वीडियो पे 2 लाख लाइक आएंगे तो मैं डांस करूंगा। देन इन्होंने वो डांस भी किया था जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, और उस पर भी हमने शायद रिएक्शन किया था। तो एलेक्स भट्टी ने इनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट बनाया, डकी भाई के ऊपर बनाया, तो शायद मेरे ख्याल से इनके ऊपर ही बनाया होगा। अगर तभी तो ये तो वीडियो को देख लेते। तो अब ये मेरे को देखना है कि डिस्ट्रैक्ट में ज्यादा पावर है या फिर रोस्टिंग में ज्यादा पावर है। नहीं, डिस्ट्रैक्ट में पावर नहीं होगा। और किसकी बजी ये बैंड इसमें वो पता चल जाएगा। मैं देख रही हूँ अभी बहुत सारे लोग टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट बना रहा है, तो कोई लाइक कोई रिएक्शन बना रहा है, कोई रोस्ट बना रहा है। तो लाइक मतलब टिकटॉक अभी प्लेटफॉर्म किसी और प्लेटफॉर्म को तो बदनाम कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो गाइस हम भी रिएक्शन करते हैं इस वीडियो पे, देखते हैं इस वीडियो को कैसी है। तो हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। टाइटल और थंबनेल ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार सेलिब्रिटी एलेक्स भट्टी की मारने वाले हैं। मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको। सारे ऐसे तू यार गाते सुन रहा है, गा सुनना पूरा आ रहा यार, पूरा कान कर जिसने एक डिस बनाया जिसका कोई ट्रैक ही नहीं है। जमाना इतना बदल चुके कि टिकटॉक पे दुपट्टा पहनकर अपनी नामर्दगी का लाइव सबूत पेश करने वाले यूट्यूब पे आके डिस ट्रैक बना के अपने आप को एमवीवे बंटाई समझने लगे हैं। तो वीडियो का नाम है एलेक्स भट्टी डिस रैप जैनुल हसन फोर कैडी मिनाटी एंड डकी भाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बैटल। मेरे इस डिस रैप पे वीडियो बनाने से पहले लोगों ने जो प्यार दिया ना यार इस गाने को, 10% लाइक डिसलाइक रेशियो भैंस, तुम लोगों को शायद पता नहीं है पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना लिया तुम लोगों ने। 230K मुझे समझ नहीं आती अपनी बायो में हर जगह टिकटॉकर ने टिकटॉक स्टार, टिकटॉक किंग, टिकटॉक सेलिब्रिटी, क्वीन, शुईन डाला होता है। इनके सपोर्टर्स कहाँ पे हैं? यूट्यूबर्स के खिलाफ एक लास बोल दो तो डिसलाइक का रिकॉर्ड बना के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी फैन फॉलोइंग है। खैर भाई साहब का डिसलाइक देखते हैं, क्या बवासीर पेश किया इन्होंने। डिसलाइक में है ना फैन फॉलोइंग इनकी, प्रॉपर डिसलाइक मिलते हैं। ये वीडियो की स्टार्टिंग है जहाँ भाई साहब अपने बाथरूम में लोटा लेके बैठे हुए हैं टट्टी करने। अब लोटे में पानी खत्म हो गया है तो भाई साहब ने स्पीकर और लैपटॉप दोनों अंदर ही मंगवा लिए कि चलो शुगर मिलेगा, शुगर मिलेगा, काम का काम हो गया। आपकी खिदमत में हाजिर है वसीम खुबानी। टिकटॉक के म्यारी वक्त के मुताबिक कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड वालों की चॉलीवुड होने वाली है और बाकी टिकटॉकर्स को तारक लजीज का सलाम। नहीं बकवास है वो तो पता है, कोई नई बात बता। तेरे मिलियन में व्यूज है फिर भी बच्चों का खाता कोई करेगा तेरी उल्टी पुल्टी सारी वीडियोस को मैं हेल करूं। मैं तेरे जैसा नहीं हूं जो के लाइक्स पे डिपेंड करूं। चलो भाई साहब ने काम की बात कर दी, शुक्र है तूने लाइक्स पे डिपेंड किया नहीं है। जैसे तेरे तेरे लाइक्स की कमेंट्स में 13,000 लानती तो वसूल हो गई, इसकी तो समझ आती है। लेकिन मुझे ये बताओ ये 4,000 लोग कौन है? मैं जीता हूँ खाता हूँ पीता, आई डोंट थिंक यू आर स्पेशल जो मैं तेरे जैसा ड्रेस करूं। आगे आ गई ओए बच्ची, आ गई ओए मरना है क्या भोसड़ी के? ये इस डिस रैप का कोरस है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रैप सॉन्ग कम बच्चों की नर्सरी पॉइंट ज्यादा लग रही है। छापड़ जो है अगर इसे डिस रैप कहते हैं ना तो हम सब बचपन से रैपर ही हैं। अगर टिकटॉक पे फाल्टी मुजरा करने वाले डिस बना सकते हैं ना तो मियां खलीफा भी अपने आगे मूली लटका के जॉनी सिंस की मार सकती है। यार फ्यूचर में अगर मेरे बच्चे मेरी टिकटॉक की आई डी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुसरा पहन चोर।
बात। हाँ पोंक, तूने बोला टिकटॉक के बारे में जो बैड है, तूने किया लोगों को यहाँ पे सैड है। टिकटॉक ना होता तो क्रिंज तेरा खत्म था, उन्हीं की वजह से चलता तेरा एड है। अब वो तेरे पे मैड है, याद है तूने किया उन्हें सैड। तू गाने लिख थोड़े कर, रेटिंग पे फोकस, ये बैरल ऑफ द रैप नहीं, बैरल ऑफ द ऐप है। भाई साहब ने वही रंडी रोना लगाया है कि टिकटॉक अच्छा है, यूट्यूब है, तो काके किसी मरीज से भी पूछ लेना, वो भी बता देगा कि यूट्यूब क्या है और टिकटॉक क्या है। और ये डांस स्टेप किया ना भाई साहब ने, आहा, पहले तो मुजरे के लिए टिकटॉक से बाजी उठा लाया है, अब तेरा डांस रह गया। हाँ देखना, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी में जबरदस्ती तुझे नाचने का बोला है। Of the kind of the slang, तूने रखा है नाम अपने डाकी भाई, acting like a puppy boy, तू टिकटॉक नहीं बनाता क्योंकि तेरी स्माइल फेक है, तू कुएं का मेंढक साले भाई, पूरी लेक है, तू केक है भाई, पूरी लेक है, तू केक है, तू केक है। आ गई फाइनली हैवी डिस्ट्रैक्ट आ गया बॉय, सबसे पहले हंस लेते हैं थोड़ा। दूसरा ये कि केक क्या कौन है। हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ैनुल हसन एंड आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू गाइस, आई एम गोना बी स्विचिंग यू ओवर टू दैट, बट बिफोर I want you guys. अरे क्या लावड़ा फंस गया। पहले तो भाई साहब का फेक एक्सेंट पता नहीं कौन से घोड़े से मरवाते हैं ये लोग। ऐसे बर्गर होते हैं जिन्हें अंधेरे में चौकीदार आइसक्रीम का लालच देके कुछ और ही पकड़ा देते हैं। मेंढक भी है तू, सब तो बड़ा जलील है कायनात। बाथरूम में पॉटी करते वक्त 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो ना, तो इससे बेहतर लिरिक्स लिख लेता बंदा। आज भाई साहब ने डिस्ट्रैक्ट बनाया, कल ये प्रैंक बनाएगा, फिर ये व्लॉगर बन जाएगा, उससे अगले दिन रोस्टिंग स्टार्ट कर देगा, फिर ये बॉलीवुड में इमरान हाशमी भी लग जाएगा। बच्ची नचवाने के लिए बजट लो था, लड़का लड़की दोनों के पास पैसे नहीं थे तो टिकटॉक से उठा लाया। शुगर मिलेगा, शुगर मिले, काम का काम हो गया। अब ये है ना सही टिकटॉक का यूज, पैंच हीरा मंडी का चक्कर लगा लेते, शायद डिस्काउंट या बाय टू गेट वन फ्री पे मिल जाती, लेकिन कम अज कम बच्ची मिलती तुझे, बच्ची मिल जाती। लेकिन नहीं, मुजरे के लिए एलेक्स भट्टी भाई साहब आ गए। तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत। तेरे जैसे बंदे को आदमी नहीं कहना चाहिए, तू खुश रहा रोडो पे नाचने वाला बगैरत इंसान। भाई के बारे में ये कहना चाहूंगा कि हम जो है ना वो एक पब्लिक फिगर है, एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, ऐसे ही है, तो हमें लोग देख के सीखते हैं, ठीक है, हम जो करेंगे ना लोग उसको कॉपी करते हैं। हाँ, तो वो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब क्या उनसे लोग सीखेंगे। इन पब्लिक सेलिब्रिटी स्टार इन्फ्लुएंसर से मैं ये कहता हूं कि जो खुशफहमी और गलतफहमी है ना, ये दोनों अपने ज़हन से निकाल दो। टिकटॉक पे जो आवाम बैठी है वो अपने पियो की नहीं सुनती, तुम लोगों की क्या सुनेगी। टिकटॉक पे अगर कुछ सिखाया जाता है ना, तो वो यही है कि ज्यादा बड़ी लेवल की पैनिया की कौन लगा रहा है। अब भाई साहब अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये। संभालो मेनू आगे, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ करना जावा। कॉन्सेप्ट की मां तो डाली, मतलब किसी बच्ची का झूठा पी लो तो वो उसको चुम्मी देने के बराबर है। ऊपर से सर से लेके पैर तक ऐसी हवस भरी नजरों से देखते हैं, साले तेरी खुद की बीवी ने तेरे पे हरासमेंट चार्जेस लगा देने, थोड़ा हौसला रख। इसके टिकटॉक पे अलग अलग नीबियों के साथ रोमांटिक शॉर्ट फिल्म से लेके चुपचापे के डांस मूव तक सब मिलेगा। बेबी एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। फिर इतना दूर क्यों रहते हो? मोहब्बत और इबादत हमेशा दूर से होती है। दिल इबादत कर रहा है धड़कने में। चापे के कॉन्सेप्ट की रोमांटिक शॉर्ट फिल्म देखने से बेहतर है बंदा यूट्यूब पे भाभी सेक्स देख के तकिए के अंदर घुसा के मार के सो जाए। यार मुझे नहीं पता तुम लोग इस वीडियो पे लाइक मारो ना मारो, आई डोंट गिव अ शिट, लेकिन इस तरह के सेंसलेस चापे के रोमांटिक टिकटॉकों पे फिटे मुंह जरूर पेश कर दिया करो, बहुत बहुत मेहरबानी। दफा हो अब, हम जो करेंगे ना लोग उसको कॉपी करते हैं। ना पुतल लोग कॉपी नहीं करते, इन सब में एक ही जैसा खून पाया जाता है, इनका ब्लड टेस्ट करवाओ तो सब टिकटॉक पॉजिटिव आएंगे। बट डकी भाई को बहुत पसंद किया जाता है, जैसे इनको उन्होंने रोज किया और हम और हमारी भी देखे, लोगों को लोग पसंद नहीं करते, वो पसंद करते चस्का लेते हैं, वो चस्का लेते हैं, वो पसंद नहीं करते, वो चस्का ले रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग पसंद नहीं करते इसलिए लोग हमें नहीं इन्हें गालियां निकालते, लोग पसंद नहीं करते इसलिए सब टिकटॉकर समेत यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, लोग पसंद नहीं करते इसलिए लोग हमारे पास आते हैं कि तुम जैसों की कुत्ते वाली कीज है, और लोग चस्का नहीं लेते, चस्का तुम लोग लेते हो शेख रशीद की गोदियों में बैठ के। गाइस मेरे साथ बहुत मेगा धोखा हो गया, मैं यहाँ खेतों में शेख रशीद से मिलने आया था लेकिन वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ चार चार बुड्ढों को लेके आ गया, प्लीज मुझे बचाओ, नहीं मुझे नहीं मिलेगा। क्या था? देख देख के
तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। यहाँ लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तुम लोग की तो सिर्फ बगैरतियों में रेस लगी होती है, इनका बस चले तो अपना ही एक अवार्ड शो निकाल के अपने ही आपको बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द वर्ल्ड का इनाम दे दें। अब उनको ना बोलने की तमीज है, ठीक है, ना पहनने की तमीज है और ना बैठने की तमीज है। हाँ, पहनने की तमीज तो इन्हें है ना, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि लड़कों वाले कपड़े पहने हैं, लड़कियों वाले पहने हैं। एलेक्स मुन्ने को तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। टिकटॉक इन यूट्यूब पे आके पहनने की तमीज सिखा रहे हैं। अभी इनकी शर्टें उतरवा के देख लो तो अंदर इन्होंने लंडे के ब्रा पैंटीज पहनी होनी है। और बैठने की बात तो करो ही ना पुत्र, जहाँ तुम लोग बैठते हो और जिस जगह बैठते हो वो ना ही हमारे शौक है और ना ही हमें उन चीजों में तुम लोगों से मुकाबला कर सकते। अपने घर बैठा हूँ ना, वजीर आजम हाउस तो नहीं बैठा जो अब मुझे सूट पहन के तमीज से बैठना है। तुम लोग के तो काड़ी साहब भी मेकअप आर्टिस्ट बने हुए, पहनने की तमीज सिखाने चले ये लोग। जी करदा लाइव करके दिखाऊं उसके सामने अपने सोना जा बच्चा बैठावा, बीच में एक चम्मच मिलाई ते ओदे बीच आधा चम्मच हल्दी खावा। जो YouTube का है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, TikTok उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पे TikTok जैसे YouTube है ना, आपने एक पूरा सेट लगाते हैं, ठीक है, फिर उसकी वीडियो एक लंबी वीडियो बनती है, उसको एडिट करना पड़ता है। TikTok एक छोटा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे छोटी वीडियो बनाती है, छोटे दोनों पे मेहनत है, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ी वीडियो होती है, यहाँ पे एक 15 सेकंड की छोटी होती है। 15 सेकंड में एक बड़ी स्टोरी को छोटा करके दिखाना भी एक मेहनत है, बड़ी क्रिएटिविटी है। ये ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी है, सपोर्ट देख रहे हो उसको, लोगों को अच्छी बात बता देना और एक पूरी स्टोरी दिखा देना। नहीं, ये मैं हमारे टिकटॉक किंग हारिस भाई से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हमारे टिकटॉक किंग साहब के टिकटॉक की ये ब्यूटी है, खूबसूरती है टिकटॉक की, कम से कम सेकंड के अंदर बंदा अपने आप को चूतिया साबित कर सकता है। आपने कभी टूथपेस्ट से एक्स्ट्रा पेस्ट निकाल के जाए किया? मैंने हाँ की है। क्या उसका किया? क्या उससे किया? क्या उसको जो है कई दफा मैं उसको दीवारों के साथ और फिर ये लोग कहते हैं तमीज हमें नहीं है, मार मार के घर का साबुन शैम्पू टूथपेस्ट दे रहा है, तमीज हमें नहीं है। दुनिया इंसान जैसी सिर्फ नहीं बढ़ना दे, तू नहीं बढ़ना बंदे ने पुत्र, इंसान कर शर्म करे कर। तो इस वीडियो से मैंने तो यही सीखा कि जिस तरह हमारे टिकटॉक सेलिब्रिटी स्टार एलेक्स भट्टी भाई साहब यूट्यूब पे आके डिस ट्रैक बना सकते हैं, तो मैं भी नॉर्थ अमेरिका में जाके अप्लाई कर देता हूँ, क्या पता जॉनी सिंस की जगह मिल जाए। और जाने से पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा हमारे हारिस भाई किंग ऑफ टिकटॉक का कि उन्होंने हमें पहनने की और बैठने की तमीज सिखाई, तो शुक्रिया टिकटॉक किंग भाई साहब आपका। चलो मेरे लड़े थे। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, 2 लाख ज्यादा मैं रखता नहीं हूँ टारगेट, लेकिन 2 लाख कर दो यार। और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले। शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़। पता है क्या हो रहा है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे ये हो रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म आए हुए हैं ना टिकटॉक और ये सब, इससे ये चीज हो रही है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये है ना कि हमको कैसे भी फेमस होना है, अब चाहे ऐसे होना पड़े चाहे ऐसे होना पड़े। तो बहुत लोग ऐसे ही होके फेमस होना चाह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली फेमस तो हो ही रहे हैं देखा जाए तो, चाहे वो बेइज्जती करवा के हो रहा हो चाहे कैसे भी हो रहा हो तो रही है। कि मोर लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे फेमस है या वो जिस प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर है वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ, जो कि मैं किसी उसकी मैं उनकी बात कर रही हूँ लाइक टिकटॉकर वालों की, वो सोचते हैं टिकटॉक बेस्ट है, टिकटॉक ही सब कुछ है ये वो, तो देन वो फिर वापस यूट्यूब पे क्यों आते हैं अगर उनको ऐसा लगता है? जो बेस्ट है वापस उस पर कंटिन्यू रखिए लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। और फिर आप खुलेआम किसी इंटरव्यू में किसी का नाम लेके उनकी बुराई कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दखी भाई जो करते हैं वो स्टार्टिंग से वही करते हैं, वो रोस्ट करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है वो जानबूझ के इस वीडियो में ऐसे बैठे थे क्योंकि उन्होंने वीडियो में बोला था कि दखी भाई को बैठने की तमीज़ नहीं है, इसीलिए सो क्योंकि मैंने उनके और भी वीडियो देखी, वो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे भी वो बैठते हैं, वो जो वीडियो की वाइब है उसके साथ बिल्कुल ज्यादा, इंसान जो भी हो नेचुरल हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और दखी भाई को लोग इसीलिए ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वो जो है वो वही है, वो ज्यादा फेक और दिखावे की कोशिश नहीं करते, फालतू में फेक बनने की ओवर एक्टिंग और बहुत दिखाने की वो सब चीज़ की जरूरत नहीं। और मेरे को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आजकल ये सब जो है हम लोग जो नॉर्मली बैठ कितना देखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, इनको एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता डकी भाई से कुछ भी, ये कर भी जान मुश्किल इसी रहे कि इनके ऊपर रोज हो और ये फेमस हो, ये मैं बोलता रहा हूँ ये इस तरीके से फेमस होना चाहते, नीचे से फेमस होना चाहते हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं, दिमाग इनके पास भी सब कुछ इनके पास भी। लेकिन आजकल एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा आ रही है, तो टिकटॉक की वजह से जो एक चीज़ होती थी ना
वैसे बहुत लोग तो बहुत ज्यादा ही बेशर्म हो गए, बहुत ज्यादा यार, क्या क्या ही टिकटॉक पे आते, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि चलो ये पहली बात तो जेंडर वाइज होती है ये चीजें, इसको हम लोग को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अब खुद ही उस जेंडर से बिलोंग करके उसी जेंडर का वो खुद ही मजाक बनवा रहे हैं, उस जेंडर का खुद ही वो मजाक बनवा रहे हैं जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं, तो और उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज के टाइम पे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम बात ये है ना कि जैसे कि नॉर्मल एक लड़के ने फोटो वीडियो डाली और नॉर्मल एक लड़की ने वीडियो डाली और कॉम्बिनेशन ने एक वीडियो डाली, ठीक है, तो जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है ना वो अजीब चीजों पर ज्यादा आता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं और फिर सब लोग फिर वही शुरू हो जाते हैं, एक करते हैं तो दूसरे लोग भी वही चालू हो जाता है कि यार हम भी ऐसे ही करेंगे तो क्या पता हमारे भी व्यूज आ जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों की गैदरिंग जहाँ लोगों को मिलती है लोग वही चले जाते हैं, है ना। तो काफी फनी सा रोस्ट था और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इसी वजह से हम लोग बहुत कम वीडियोस बना पाते हैं, पर जितने भी बनाते हैं उससे सपोर्ट इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है बट हम ये सीरीज पूरी कवर करना चाहते थे, इसलिए हम उनकी सारी वीडियोज पर रिएक्शन करेंगे जो भी इस टिकटॉक वाली पार्ट का और भी जो वीडियोज है वो लेके आएंगे। सो गाइस दीदी आज की वीडियो हो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और जो कॉल की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए सॉरी, तो अभी सारे कॉल अटेंड करके आराम से दूसरी वीडियो तो चलते हैं, फिर मिलेंगे सर नहीं बढ़ेगा, टेक केयर, बाय बाय।